इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। और जब इलेक्शंस आ गए हैं तो फिर चाहे ऑपोजिशन हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तुम पापी तुम पापी। कांग्रेस कहती है कि इसका राजनीतिकरण बीजेपी ने किया, इसलिए वो पापी है। बीजेपी कहती है कि न्योता देने के बावजूद आप प्राण प्रतिष्ठा में आए नहीं, इसलिए आप पापी हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई, न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। दूसरा, इनकी प्रकृति, आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटनाएं देखिए, वे भारत की मूलभूत आस्थाएं, भारत का मूलभूत जो पिंड है, उसके प्रति नेगेटिविटी लेकर के ही देश में वो अपनी बात है। अब सोमनाथ मंदिर को क्या प्रॉब्लम था, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जाना था, वहां तो न जनसंघ था, न भाजपा था, न आरएसएस थे, न कोई लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जाने। वो जो नेहरू जी की जो चिट्ठी थी, हाँ, जो भी है। अब ये और ये वो परंपरा आज भी चल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं। आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दें, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीजें होती रहती। और ये किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ये अपना अधिकार मांगते हैं। और मैं कभी कभी कहता हूँ, ये तो नामदार है, हम तो कामदार है। अब मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊँ, वहाँ के लोग कोई कपड़े पहना दे, मैं पहनता हूँ, उसकी भी मजाक उड़ाना, यानी हर चीज़ की। मैं तमिलनाडु जाऊँ, लूँगी पहनूँ, तो उनको लगता है देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं हैरान हूँ जी, इतनी नफरत लोकतंत्र में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे लिए, मैं मानता हूँ ये न राजनीति का विषय हम लोगों के लिए है, न होना चाहिए और न कभी होगा। हमारे लिए एक जबरदस्त आस्था का विषय है जी, और ये कोई प्रभु राम का संबंध कोई मेरे कारखाने में नहीं आया जी, हजारों साल से और दुनिया के अनेक देशों में है। जब ये राम मंदिर का निमंत्रण देने के लिए ट्रस्ट के लिए मुझे आए, उन्होंने ठुकरा दिया। मैं सोचने लगा, इतना बड़ा मुझे दायित्व तो दिया जा रहा है, मैं अपने आप को योग्य क्या कैसे करूं, अपने आप को योग्य कैसे बनाऊं? तो मैंने कुछ लोगों की एडवाइस ली, कुछ संतों की, कुछ जानकार लोगों की, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा कि भाई मैं इसको एक प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं लेता हूँ, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूँ, मुझे क्या करें। उसमें से मुझे सुझाव आया
तो सुझाव तो बहुत, लेकिन मैंने फिर कुछ अध्ययन भी किया और मैंने मनोमन तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूँगा और मैं जमीन पे सोता था, नारियल के पानी पर रहता था और तय किया मैं प्रभु राम जहाँ जहाँ गए थे उसमें जहाँ भी मैं जा सकता हूँ जाने का प्रयास करूँगा और वहाँ मैं अपना, जब मैं श्रीरंगम मंदिर में गया दक्षिण भारत में, हाँ दक्षिण भारत में, और कंब रामायण का मैंने पाठ किया वहाँ, तब मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि साहब 800 साल पहले जब कंब रामायण की रचना हुई तो पहला पाठ इसी जगह पे हुआ और मैं देख रहा सबके आँख में आंसू थे। ये जो मैंने अनुभूति की है साउथ में खास करके, यहाँ बैठे हुए लोगों को अंदाज नहीं आएगा जी कि क्या भक्ति है, क्या आस्था है और कितनी पवित्रता है उसमें। मेरा कार्यक्रम नोन नहीं था, मेरा काम भी ऐसा व्यक्तिगत था, लेकिन जो जन सामर्थ्य एक प्रकार से मुझे उनके भाव में अनुभव कर रहा था, तो मेरे लिए शायद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक 11 दिन की घटना में देखता हूँ मैं। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को मैंने बहुत गंभीर लिया था जी, मैंने एक इवेंट के रूप में नहीं लिया था जी, मेरे लिए वो इवेंट नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था आपके लिए। मैं मानता, मुझे दिखता था वो 500 साल का संघर्ष, मुझे दिखता था 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा, सपने और देश के गरीब गरीब लोगों ने पाई पाई देकर के मंदिर बनाया है जी। ये मंदिर तीन चीजें मैं देखता हूँ, एक 500 साल का अविरत अखंड एक निष्ठ संघर्ष, लाखों लोगों का एक काम के लिए बलिदान, दूसरा लंबी न्यायिक प्रक्रिया, इतने सालों की न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया के हर तराजू से तुल करके निकला हुआ कसौटी हुआ। दूसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग, एएसआई के द्वारा उसकी खुदाई सबूत, ये एक बहुत बड़ा। और चौथा हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों ने एक एक दो दो पांच पांच रुपया जो भी दे सकते हैं दे करके ये मंदिर बनाया है। ये मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है, ये ऐसे पहलू हैं कि जो भारत के स्वाभिमान को, भारत के सामर्थ्य को, भारत के सपनों को, भारत के संकल्प को और भारत के आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाले हैं। हम दक्षिण भारत की बात करते हैं।